ओ माई गॉड, माई स्किन इज लुकिंग टू डल, सो लेट्स प्रिपेयर अ फेस मास्क जो कि आपकी स्किन की डलनेस दूर करे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट स्किन केयर. गाइज, आज मैं एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग एंड रेडियंट बनाता है. इस फेस पैक में जो भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करे हैं वो सारे के सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि हर घर में आसानी से मिल जाते हैं. अगर आप इस फेस पैक को अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट. अब इस फेस पैक में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करे गए हैं, इसको कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है, ये सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा. सो इफ़ यू इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स इनटू द वीडियो. इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं जो भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे के सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं और हर घर में आसानी से मिल जाते हैं. सबसे पहले आपको लेना है 2 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर. व्हीट फ्लावर स्किन को एक्सफोलिएट करने में, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में और स्किन को ब्राइटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. फिर आपको लेना है 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई. मलाई आपके स्किन को मॉइस्चराइज करती है और स्किन को नेचुरल ग्लो देती है. फिर इसमें ऐड करिए 1 टीस्पून हनी. हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके स्किन को सूद एंड हाइड्रेट करती है. फिर इसमें ऐड करिए 1 टीस्पून आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल. बादाम का तेल आपके स्किन को नरिश करता है और स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून लेमन जूस. लेमन जूस आपके स्किन की डलनेस को दूर करता है, स्किन को ब्राइटन बनाता है और स्किन को इवन आउट करता है. फिर इसमें ऐड करिए रोज़ वाटर. रोज़ वाटर आपके स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है और स्किन को रिफ्रेश और टोन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसमें ऐड करिए रॉ मिल्क. रॉ मिल्क आपके स्किन को क्लेंस करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है. रॉ मिल्क की हेल्प से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करिए एंड मेक अ स्मूथ पेस्ट. इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपनी फेस को अच्छे से क्लेंस कर लीजिए और फिर इस फेस पैक को अपने फेस पे इवनली अप्लाई करिए. अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद स्क्रब करते हुए इस फेस पैक को हटाइए. ये फेस पैक आसानी से स्क्रब करके हट जाता है और उसके बाद ल्यूकोम वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए. आफ्टर फेस वॉश अपने फेस पे टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर का ज़रूर यूज़ करिए. गाइस, लुक एट द स्किन. मेरी स्किन की डलनेस दूर हो गई है, स्किन में ग्लो आ गया है. आप भी ऐसे स्किन पा सकते हैं. फॉर बेटर रिजल्ट आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करिए एंड सी द विजिबल रिजल्ट इन 1 मंथ. सो गाइस, ट्राई दिस फेस पैक एंड शेयर योर रिव्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. गाइस, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है जिसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं. इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसलिए आप इसे डेली यूज़ करिए जिससे आपकी स्किन में एक ग्लो बना रहता है, स्किन की डलनेस दूर होती है, स्किन में टैनिंग होती है वो दूर होती है. आई तो लव दिस फेस पैक. आप इस फेस पैक को ट्राई करिए और अपने फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए. सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर द डे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगी. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. बाय.